अगली खबर है जनपद सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर MIM चीफ असदुद्दीन अवैसी 3 दिनों के उत्तर प्रदेश पर दौरा। बुधवार को एक सभा का संबोधित करते हुए कहा कि जिस समाज को नेता होगा उसी समाज के लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा, ये हिंदुस्तान का सच है। अवैसी ने अपने उत्तर प्रदेश दौरे की शुरुआत अयोध्या के रुदौली से मंगलवार को की थी। MIM चीफ असदुद्दीन अवैसी ने सुल्तानपुर जिले के ओदरा गांव में एक सभा का संबोधित करते हुए जनता को कहा कि एक सियासी पारी की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए और आप लोग यहां से हमारे पार्टी का विधायक बनाइए। उन्होंने कहा कि सत्ता में जाकर कभी संतरी मंत्री बनने का शौक नहीं है, बल्कि हमारे समाज के लोगों के लिए आवाज़ उठाना हमारा काम है। उत्तर प्रदेश का हमारे मुल्क के सियासत में बड़ा रोल है। उत्तर प्रदेश में इतने बड़ी तादाद के मुसलमान रहते हैं, लेकिन क्या अपने किसी को नेता नहीं बनाया? मजलिस यही चाहते हैं कि आपके बीच से किसी को नेता बनाए। उन्होंने कहा कि मैं सुल्तानपुर का एक मकसद के लिए आया हूं, क्योंकि सुल्तानपुर ने मुझे अपने समाज का नेता बनाना है। आज़ादी के समय में लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, आप वर्षों से वोट देते आ रहे हैं कांग्रेस BJP सपा और बसपा को, लेकिन अपने समाज के लोगों को वोट नहीं दिया है, क्योंकि आज मेरी जुबान कड़वी है तो इसके जिम्मेदारी भी आप हैं। हर वक्त हमारे समाज के लोगों को शोषण किया जाता है। बाबा साहब ने संविधान दिया कि लेकिन उसके भी ख़त्म कर दिया गया है। 2022 के चुनाव में मजलिस के लोगों को विधानसभा भेजना है, ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। देखिए रिपोर्ट दानिश के साथ। हमने यही कहा कि मोहन भागवत जो है हिस्ट्री को नहीं जानते, मोहन भागवत जो है हिस्ट्री को नहीं जानते। हमने उनसे कहा कि इस्लाम इस मुल्क में बादशाहों की वजह से नहीं आया। इस्लाम इस मुल्क में आया तो सूफियों की और तिजारत करने वालों की वजह से आया। और हमने उनको मोहन भागवत से हमने पूछा, ये इस्लाम अगर आया तो वेस्ट कोस्ट में आया, और किसने कहा मालूम आपको? इस्लाम बादशाहों से इस्लाम भारत में आया, किसने कहा मालूम आपको? मालूम मोदी जी ने कहा। हाँ, अब आप जाकर देखिए, मोदी जी ने April 3, 2016 को 7:13 को ट्वीट किया और कहा कि केरल के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में चेरावन जुम्मा मस्जिद को अरब के तिजारत करने वालों ने, बादशाहों ने नहीं, तिजारत करने वालों ने 629 ईस्वी में मस्जिद को बनाया। कहा कि भारत की पहली मस्जिद। मोदी जी आप झूठ बोल रहे हैं या मोहन भगवत झूठ बोल रहे हैं? आप दोनों बैठकर तस्लियां कर लो। हमारा मानना यह है कि इस्लाम भारत में तलवार के जोर पर नहीं आया, मोहब्बत की बुनियाद पर आया। भारत में रखा तो ये बाप की सरजमीन हुई नहीं हुई ना? करना किस बात का प्यारे? डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हिम्मत से काम करिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई अतीफ जेल में है, मगर अपना खत और पैगाम भिजाया, अपनी मोहब्बत और वाबस्तगी और आप लोगों को ये पैगाम भी दिया कि हमको और आपको मिलकर इंशाअल्लाह ताला आने वाले विधानसभा में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कामयाब और कामरान करना है। मैं सुल्तानपुर आया हूँ और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बार बार आता हूँ, बार बार आता रहूंगा। आपका सुल्तान
सुल्तानपुर की मेरी माँ और बहनें, मैं आपका बेटा हूँ। आप मेरे लिए दुआ करिए, हमारी सरपरस्ती करिए। हम गलती करते हैं तो हमारा उंगली पकड़कर सीधा रास्ता दिखाइए, मगर हमारा हाथ मत छोड़िए। ये आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, मजलिस को कामयाब करिए। आप तमाम का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।